जब से प्रधानमंत्री मोदी यूरोप से वापस लौटे हैं तब से पाकिस्तान में मोदी का ही नाम चल रहा है। 72 घंटे बाद भी पाकिस्तान के लोग मोदी की ही चर्चा कर रहे हैं। कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तारीफ करता है तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। सिर्फ मोदी ही नहीं, मोदी के बारे में अच्छी बातें बताते समय शहबाज शरीफ की भी बात होती है। पाकिस्तान के नए वजीर आजम को मोदी से सीखने की हिदायतें मिलती हैं। पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट सुनकर शहबाज शरीफ ने इंडिया की पॉलिसी को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है। आजकल पाकिस्तान में शहबाज से ज्यादा मोदी का नाम क्यों चल रहा है? इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मोदी के बारे में क्या क्या बातें हुई और इसका मतलब डिकोड करने के लिए आज आपको पाकिस्तानियों के मन की बात सुनाते हैं। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह। नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। भारत का ये पिछले साल का एक्सपोर्ट जो है $400 बिलियन और जो फ्रांस है वो 7th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। आपका क्या ख्याल है जहां राइफल तैयार है और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है उसको आपका क्या ख्याल है कि दिवाली मनानी? हमें जरा सा भी नजला जुकाम हो हम फौरन पहुंच जाते हैं वाशिंगटन डॉक्टर के पास में और कहते हैं यार हमें दवा दे दो। तो वो जाहिर है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, रिजर्व नहीं है। तो हम IMF के पास भी तल्ले बल्ले कर रहे हैं, सऊदी अरब के पास भी गए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में पूरे पाकिस्तान ने तालियां बजाई। यूरोप दौरे से मोदी को लौटे करीब 72 घंटे बीते। वहां पाकिस्तानी मीडिया हर दिन 72 बार मोदी का नाम ले रहा है, इंडिया से सीखने की सलाह देकर अपने वजीर आजम की बैंड बजा रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी यूरोप के विजिट पे थे और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। कोई न्यूज हमने नहीं देखी कि किसी टीवी चैनल पे चली हो या कोई रिपोर्ट दिखाई गई हो। भाई हमारी एक साथ में कंट्री है, एक नेबरिंग कंट्री है, आपको बताना चाहिए ना, मीडिया को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं। आप कह रहे हैं कि उनसे कुछ सीखेंगे, ये सीखने को तैयार नहीं लगते मुझे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया, ना दिखाएं। भारत को इसकी तो जरूरत नहीं है, ना भारत की ये ख्वाहिश है। भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रेंकली वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रीसेंट विजिट है वो उस बात की गवाही है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया और मोदी साहब का जो एक दौरा था उसको भी कवर नहीं किया और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल, और आप कहां खड़े हैं? सबसे बड़ा वहां पे राइफल तैयार है वो डिस्कस हो रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं और आपके एक्स वजीर आजम फरा गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मोदी के यूरोप दौरे से शहबाज शरीफ की मुसीबत का पहला चैप्टर शुरू हुआ। यूरोप में 8 देशों के लीडर्स ने मोदी का रेड कार्पेट वेलकम किया। इंडिया के सक्सेसफुल यूरोप दौरे को पाकिस्तान ने भी कॉपी एंड पेस्ट किया है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में एक यूरोपियन डेलीगेशन से मुलाकात की। पाकिस्तान की सरकार को लगा कि यूरोप का ये कनेक्शन उनकी किस्मत बदल देगा, पर शहबाज शरीफ चाहकर भी पाकिस्तानियों को समझा नहीं पा रहे हैं कि हर मुद्दे पर नई सरकार की पोल खोल रही है। हम उधार का पैसा लेते हैं IMF से, इधर उधर से, डोनर से, और उसके ऊपर अपनी इकोनॉमी का जो पहिया है किसी न किसी तरीके से हम उसको चलाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का ये प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान IMF से पैसे लेकर या किसी और कंट्री से पैसे लेकर अपना इकोनॉमी का पहिया रन नहीं करता। वो कारोबार करता है दुनिया के साथ और उसको देखता है कि उससे मुझे क्या फायदा। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है और वो है $10.5 बिलियन ग्रीन डेवलपमेंट डील, और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज है और $10.5 बिलियन ये बनते हैं, और इसको ये जो एड है ये 2030 तक है टू बूस्ट द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी। अब जारी बात है इंडिया ने ये ठान लिया है कि हमने फ्रांस के साथ मिलकर काम करना है और उनको इस चीज का पता है कि हम इंडो पैसिफिक में जो चीजें हैं वो देखनी है। तो अमरीका का प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में
मदद लेनी है तो उनको भी जरूरत है, उसकी इंडिया की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन इसमें इस ये भी आता है कि ये जितने भी ममालिक है अगर आप इनको देखें, ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ये सब पाकिस्तान के फेवरेट टॉपिक है। इन बातों का मतलब समझिए, इंडिया ने आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान का भला नहीं किया, फिर भी पाकिस्तान अपने दुश्मन की तारीफ के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान अपने नए वजीर आजम को जगा रहा है, आवाम चाहती है कि नए वजीर आजम शाहबाज भी दुनिया के सामने स्टैंड लें, पर इस सपने के सच होने की उम्मीद ना के बराबर है। जिस तरीके से रिसीव किया गया, मैक्रॉन ने रिसीव किया है, अगले 5 साल का वो लीडर है, यूरोप को फ्रांस लीड करना चाहता है, मोदी साहब के पास अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं। मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव दो, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी, वो सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूं शर्मिंदा होता हूं एज अ पाकिस्तानी। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह की लैंग्वेज, फर्म लैंग्वेज, यानी जो इंडिया का स्टैंड है उसको करने के लिए बरतते हैं, मसलन वो कहते हैं कि जर्मनी में कि भाई ये जो यूरोप में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, जिसमें जाहिर है यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी इन्वॉल्व है, तो वो कहते हैं कि इसका फायदा किसी को नहीं है, तो वो एक मैसेज देते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि इंडिया में हुकूक इंसानी की सूरत पर अमरीका नजर रखे हुए हैं। इंडिया के वजीर खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामनिगारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था, जिस तरह अमरीका इंडिया में हुकूक इंसानी की सूरत के बारे में अपनी राय रखता है, इस तरह इंडिया भी हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों के बारे में अपनी राय रखता। मतलब बड़ी जबरदस्त बात है। इंडिया के लीडर्स और हिंदुस्तान का स्टैंड पाकिस्तान में हिट है। इंडिया के सामने अमेरिका हो या यूरोप, सबके साथ क्लियर लाइन लेंथ से बात होती है, ना कुछ छिपाया जाता है और ना झूठ बोला जाता है। जबकि पाकिस्तान की नई सरकार के आते ही फर्जी दावे किए गए। इस्लामाबाद से सबसे बड़ी खबर आई है, सऊदी अरब से लोन मिलने पर शाहबाज शरीफ ने झूठ बोला। सच ये है कि सऊदी प्रिंस ने नया लोन नहीं दिया और पुराना कर्जा वापस मांग लिया। $3 अरब जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। यहां द न्यूज ने एक खबर दी थी और ये क्लेम किया था कि सऊदी अरब से कोई $8 अरब की डील हो गई है पाकिस्तान की। सऊदी अरब कोई मजीद $8 अरब पाकिस्तान को दे रहा है, वो झूठा साबित हुआ। सऊदी अरब ने $3 अरब वापस मांग लिए हैं। पहले कह रहे थे उन्होंने $8 अरब दे दिए, बगले बाजार थे, खुशियां बना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया। मुझे भी लगा कि शायद तजर्बाकार भिखारी हैं, पैसे लेकर आए होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारत को बहुत, जिसे कहते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर इंटरनेशनल स्टेज पर ला रहे हैं। और जो वो ये कर रहे हैं वो कोई पाकिस्तान को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान की अपनी है ना मर्जी कि वो इससे कुछ सीखना चाहे या ना सीखना चाहे। अब जो पाकिस्तान की न्यूली इलेक्टेड कोलिशन गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली इन चीजों में कुछ सेंसिबल है, वो कुछ सीखना चाहेगी, मगर जाहिर उनके बहुत ही मसाइल हैं पाकिस्तान के, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच है। मैंने कहा था पार्लियामेंट में लाए नए वजीर आजम को तो अभी 1 महीने भी नहीं हुए, शाहबाज शरीफ भी फर्जी ऐलान करके इमरान के नक्शे कदम पर हैं। ऐसी बेवकूफियों की वजह से पिछली सरकार गिरी थी। अब जूनियर शरीफ का झूठ सुनकर पाकिस्तानियों का बचा खुचा भरोसा भी टूट गया। 3 हफ्तों में देखिए सऊदी अरब से एक जो पैकेज सा लिया है $8 बिलियन का, जिसमें पुराने कर्जे वापस ना मांगे सऊदी अरब, कुछ और तेल दे दे, तो वो जाहिर है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, रिजर्व नहीं है, तो ये भी एक कामयाबी है। चूंकि सऊदी अरब से इतना कुछ तो इमरान खान भी नहीं ले सकते थे जितना ये लिया इन्होंने, वो तो मोहम्मद बिन सलमान को बहुत खुश नहीं थे अपेरेंटली, तो ऐसा ही दिखता है कि वो पैसे दिए, वापस मांग लिए, फिर दिए, कहा इसको पार्क करो और खबरदार खर्च ना करना। हम इस वक्त क्योंकि बहुत एक सियासी बहरान में जुटे हुए हैं और खास तौर पर ये जो यूरोपियन कंट्री की खबर है ये इसलिए भी जरूरी है इसको देखना कि देखिए जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो उन कंट्री से इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं और हम
उन कंट्रीज को अपना दुश्मन बनाए हुए। मैं यहाँ पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं, उससे पहले 2+2 वो यहां पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है, और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं, और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके, वो जो आपने वो उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं, और जो सी पैक के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं। शाहबाज के सऊदी करप्शन से इस्लामाबाद में बहुत टेंशन है। झूठ बोलकर फंसे शाहबाज ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की बात की, लाख मिन्नतों के बाद भी आईएमएफ नहीं माना, पाकिस्तान को कोई डिस्काउंट नहीं मिला। इस बीच इंडिया की कमाई के आंकड़े देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी हुई हैं। हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं आईएमएफ पे कि जब हमें जरा सा भी नजला जुकाम हो हम फौरन पहुंच जाते हैं वॉशिंगटन डॉक्टर के पास में और कहते हैं यार हमें दवा दे दो। उसके पास एक एस्पिरिन की गोली होती है, वो हमें पकड़ा देता है, वक्ती तौर पे हम ठीक हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और उसके बाद फिर अब उस मर्ज में मुबतला होते हैं। मैं मना करता रहा प्राइम मिनिस्टर को, पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर को, कि आप ना जाएं। लेकिन देखें आईएमएफ में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना भी जाना चाहे तो उसे खींच के ले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मदरसे में बच्चा अगर कोई मौलवी जब मारता हो उसे और वो डर से नहीं जाता है सुबह मदरसे में, तो मौलवी फिर जो वो 4 लड़कों को भेजता है कि फला को उठा के ले आओ घर से, तो फिर वो 4 लोग उठा के लेके जाते हैं मदरसे में बच्चों को। बिल्कुल इसी तरीके से भारत का जो पिछले साल का एक्सपोर्ट जो है $400 बिलियन है, $400 बिलियन भारत ने एक्सपोर्ट किया है। अब ये क्वेश्चन अगर आप पाकिस्तान के सामने रखिए तो पाकिस्तान के इमरान खान रहे हैं ना पिछले साल प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो इंडिया से, चलिए आपकी आबादी भी 1/5 1/6 है, तो आप इतना कर सके हैं कोई $75 बिलियन का एक्सपोर्ट? ठीक है, तो मतलब अभी तो $50 बिलियन का एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंकली। तो फिर जो भारत के सरप्लस हैं, जो मतलब वो नो कंपैरिजन सीखना चाहिए। मैंने पीछे आपसे बातचीत करते हुए अर्ज किया कि पाकिस्तान चलिए भारत से अगर कुछ नहीं सीखना चाहता तो बांग्लादेश से ही सीख ले। इकॉनमी के बाद डिप्लोमेसी के खेल में भी शाहबाज फेल हो गए। पाकिस्तान में पिछले 4 सालों से यही हो रहा है, अब हुकूमत बदल गई पर नतीजा सेम टू सेम है। मैं यहां ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हूं, मैं एक नेशनलिस्ट अमेरिकन हूं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रीच करूं कि पीटीआई और नून लीग और पीपल पार्टी की कर रही है, मेरा कोई एजेंडा नहीं। हाँ ये दुख जरूर है कि आपका पड़ोस जो है वो बुलंदियों को टच कर रहा है और आप पस्तियों को टच कर रहे हैं, इस पर मैं एहतजाज करना मेरा एक फंडामेंटल मेरे डीएनए का हक है कि मैं जरूर ये चीखूं उसके ऊपर कि हम कहां जा रहे हैं और पड़ोस कहां है। आप देखें दुनिया में 190 मुल्क हैं जो आईएमएफ के मेंबर हैं, क्या सब मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है? बिल्कुल नहीं। हम जैसे 12-14 मुल्क हैं जो निकम्मे हैं, जो ये जाते हैं रेगुलर तरीके से जा रहे हैं, तो ये बाकी 170-172 जो मुल्क हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे अपनी पॉलिसीज को बना रहे होते हैं, हम वो काम क्यों नहीं कर सकते? कितने शर्म की बात है कि डॉलर मांग मांग के भिखारी की तरह मांग रहे हैं डॉलर, और वो डॉलर मांग कर लाकर इस मुल्क के जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनको कह रहे हैं कि जाए आप BMW कार इंपोर्ट करें, शर्म नहीं आती है हमें? कुत्ते बिल्ली के खाने और शैंपू हम बाहर से मंगाते हैं, जो मोबाइल फोन अगर हम 2 साल ना इंपोर्ट करें तो क्या क्यामत टूट जाएगी इस मुल्क में? जर्मनी में उनका स्वागत हुआ और जिस तरह जर्मनी ने उनके साथ बड़े बड़े बिजनेस मुआहदे किए, उसके बाद वो डेनमार्क में ना सिर्फ डैनिश प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं बल्कि इंडो नॉर्डिक समिट भी होता है जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे,
फिनलैंड यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रिच हैं, उनके साथ होती है मीटिंग्स और बड़े अहम उसमें फैसले होते हैं। और फिर आखिर में फ्रांस के न्यूली री इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है और जिस तरह उनका प्रोटोकॉल रहता है। इंडिया के फॉरेन इन्वेस्टर शाहबाज शरीफ के लिए मुसीबतों का नया चैप्टर है। 72 घंटे से पाकिस्तान का रोना शुरू है, आगे भी ये नॉनस्टॉप चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।